नायक और नायिकाएं कैसे होते हैं? नायक और नायिकाएं वो जो रुपहले पर्दे पर रोते हैं, हंसते हैं, वो जो माइक के सामने खड़े होकर देश को बदलते हैं। निस्संदेह ये सब हमारे देश के नायक और नायिकाएं हैं, लेकिन मेरी नज़र में असली नायक और असली नायिकाएं वो हैं जो गांव में रहते हैं, बदलाव लाते हैं छोटे छोटे कदमों लेकिन बड़ी सोच से। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, ये है आज तक का गांव कनेक्शन। बातें करते सीधी सच्ची और अंबिया खाते हैं कच्ची। चले हाईवे पे फर्राटे से, चले हाईवे पे फर्राटे से, पगडंडी भी लगती अच्छी। दोस्तों, आज मैं आपको उन नायक और नायिकाओं से मिलाने जा रहा हूं जो देश के कई क्षेत्रों में, गांव में रहते हैं और अपनी बुलंद सोच के जरिए नई नई चीजें कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ले चल रहा हूं हरियाणा के जींद जिले में, जहां बीबीपुर गांव में सेल्फी का प्रयोग किया जा रहा है दहेज के खिलाफ लड़ाई में। ये वही गांव है जिसने सेल्फी विद डॉटर का पहले प्रयोग किया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने देखा था, इसकी तारीफ की थी। चलिए मिलते हैं उस नायक से जो ये अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है और सोच की एक नई क्रांति ला रहा है। राजधानी दिल्ली से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर जींद का बीबीपुर गांव एक नई मुहिम के साथ एक नए आंदोलन की नींव रख रहा है। ये मुहिम है दहेज के खिलाफ, और बीबीपुर के सरपंच सुनील जगलान ने इसे नाम दिया है सेल्फी टू स्टॉप डाउरी का। जो डाउरी है वो सबसे बड़ा कारण माना जाता है भ्रूण हत्या करने का, तो हम जानना चाहते हैं और उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं सेल्फी अगेंस्ट डाउरी के तहत। साथ में जितनी सेल्फीज हमारे पास आती हैं उनको हम सोशल मीडिया के थ्रू रिप्रेजेंट भी करते हैं। इसके तहत उन सांसदों, विधायकों, डॉक्टरों, लव मैरिज करने वालों से सेल्फी मांगी जा रही है जिन्होंने बिना दहेज शादी की है। बड़ी संख्या में दंपति देश विदेश से सेल्फी भेज रहे हैं। जिनकी सेल्फी सबसे अच्छी होगी, जिनकी कहानी सबसे प्रेरणादायक होगी, उनको सम्मानित किया जाएगा। सेल्फी अगेंस्ट डोवरी के अंदर हमने 4 कैटेगरी रखी है कि आज तक ऐसा कोई मंच नहीं हुआ है जिसमें दहेज ना लेने वालों को सम्मानित किया गया हो। तो सेल्फी अगेंस्ट डोवरी ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने शादी की और दहेज नहीं लिया, उन लोगों से हमने सेल्फी मांगी है। जो दहेज नहीं लेंगे भविष्य में, उन लोगों से सेल्फी मांगी है। इस मुहिम से बीबीपुर के ग्रामीण बेहद खुश हैं। ग्रामीण युवा तो बिना दहेज लिए शादी करने की बात कर रहे हैं। इसमें दहेज ना तो लेंगे और ना देंगे, और आज अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, ठीक है। और हमारी शादी अगर होगी तो हम उसमें ना तो दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। औरतें भी बहुत खुश हैं इस गाँव की, और लड़कियाँ का भी बहुत साथ मिल रहा है सरपंच साहब। पिछले साल आम चुनावों के दौरान इस गांव ने बहु दो वोट लो का नारा दिया था। इसके बाद कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सेल्फी विद डॉटर का नारा दिया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। उम्मीद है कि इस गांव से निकली ये अलख सोशल साइट्स के जरिए दहेज प्रथा के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक गढ़ कानपुर में 28 साल की एक महिला रहती है गुड़िया। गुड़िया के पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए, उन्होंने तकलीफ देखी। दो छोटे छोटे बच्चे थे, उनका जीवन यापन कैसे हो, परिवार कैसे चले, नहीं पता था। लेकिन एक दिन गुड़िया ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने सोलर इक्विपमेंट का काम शुरू कर दिया एक मैकेनिक के रूप में। सोचिए कितनी बुलंद सोच, किसी काम को छोटा नहीं समझा, किसी काम को असंभव नहीं समझा, और अब वो सोलर दीदी बन गई हैं। ये सोलर दीदी हैं, कानपुर के दर्जनों गांवों में रोशनी की सबसे बड़ी उम्मीद। सोलर लाइट खराब हो, सोलर चूल्हा खराब हो, सोलर पंखा खराब हो, या गांव की सड़क किनारे लगे खंभों के सोलर बल्ब खराब हो,
गांव के लोग बस सोलर दीदी को याद करते हैं और उनकी सोलर दीदी औजारों से भरा बैग कंधों पर टांग कर अपनी स्कूटी से मिनटों में गांव पहुंच जाती है और चुटकियों में उनकी समस्या हल कर देती है। सोलर दीदी गुलिया दीदी है, उनका असली नाम जो है वो गुलिया है। तो यहाँ पे उन सबका उनका मोबाइल नंबर बटा हुआ है। सोलर का काम वही करती हैं, वही उसकी देखभाल करती हैं। जब हम लोग ख़राब हो जाता है, तार अट जाता है, हम लोग तो कुछ साहब जानते नहीं। अब उसमें कहानी ये होती है कि जब उनको फ़ोन मिला दो 15-20 मिनट आधा घंटा कहीं दूर है तो फंस जाए तो बात अलग की है, वरना वो यहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे आकर सोलर हम लोगों का ठीक कर देती हैं। ये हमारे गाँव की लाइट आइट ठीक कर देती है, ये जो सूरज की जो पैनल वैनल होते हैं ना उसको भी ठीक करती है, बल्ब भी ठीक कर देती है। हमारे पूरे गाँव में अंधेरा था, अब इसकी वजह से पूरे गाँव में उजाला हो गया है। गुड़िया राठौर से सोलर दीदी बनने तक का सफर आसान नहीं था। कानपुर के हड़हा गांव में रहने वाली गुड़िया की शादी फतेहपुर में हुई, लेकिन शादी के महज 4 साल बाद ही उनके पति की मौत हो गई। इसके बाद गुड़िया ने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला लिया और एक सामाजिक संस्था से सोलर मैकेनिक की ट्रेनिंग ली। इस काम पर अक्सर मर्दों का ही एकाधिकार माना जाता है, लेकिन गुड़िया ने अपनी लगन से इस मिथक को तोड़ा और धीरे धीरे गुड़िया से सोलर दीदी बन गई। भैया ये आदमी करते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि आदमी ही करते रहें, औरत भी कर सकती है। ऐसा कोई काम नहीं जो मनुष्य ही करें और औरत ना कर पाए। मेरे अंदर ये जागा जुनून, मैं भी करना सीखी और यहाँ तक पहुँच गई। कानपुर के विधानू इलाके के बनपुरा, कठारा, उजियारा, तिवारीपुर जैसे दर्जनों गांवों में सोलर दीदी का सिक्का चलता है। जिन घरों में कोई भी सोलर संयंत्र लगा हुआ है उनके मोबाइल में गुड़िया राठौर का नंबर सोलर दीदी के नाम से दर्ज है। पेचकस, प्लास और सोलर उपकरण लिए सोलर दीदी गांव-गांव घूमती हैं और अंधेरों में रोशनी का एक बल्ब जलाती हैं। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। रेडियो पे तो मेरी और आपकी मुलाकात रोज रात को होती है जब मैं आपको काल्पनिक कहानियां सुनाता हूं, लेकिन रेडियो की जो ताकत है वो कल्पना में नहीं, यहीं ज़मीन पे है। आपकी और मेरी ज़िंदगी में जो रेडियो का प्रभाव है, जो उसकी शक्ति है, उसको मैंने भी हाल में ही, पिछले कुछ सालों में ही पहचाना है। मैं आपको ले चल रहा हूँ गुजरात, अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर मणिपुर गांव में, जहाँ पर महिलाएं अपना खुद का रेडियो स्टेशन चला रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी सोच पुरुषों की सोच से अलग है, समाज को देखने का नज़रिया पुरुषों से अलग है, प्राथमिकताएं अलग हैं। कम्युनिटी रेडियो का ये एक्सपेरिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि इसको देख के आज तक को देखने वाले लाखों दर्शकों में से कई और महिलाएं उठेंगी और अपने अपने क्षेत्रों में कम्युनिटी रेडियो चलाने की मुहिम शुरू करेंगी। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सांभळी रह्या छो सामुदायिक रेडियो रेडियो। આપનો રેડિયો આપની વાણી જેમાં હું પર આપ સૌ શ્રોતા મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું। સાત્વિક જીવન કાર્યક્રમમાં આપણે ખેતી, પશુપાલન, જીવનલક્ષી કા ખેડૂત વિષયની અનુભૂતિ। गुजरात के अहमदाबाद से करीब 29 किलोमीटर की दूरी पर मणिपुर गांव है। इस गांव में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और इसे चलाती हैं गांव की बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएं। रेडियो का काम करने के पीछे एक हेतु हमारा ये था कि ये एक बहुत ही सरल और एक बहुत ही सस्ता माध्यम है। बहुत सारे हमने संचार के माध्यम इस्तेमाल करे हुए हैं। आप सब श्रोता मित्रों ने पारोलना प्रेम भरा नमस्ते सलाम जैसे। रूटी नो रेडियो के नाम से मशहूर इस स्टेशन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में साड़न तहसील के 40 गांव के लोग रोजाना बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस स्टेशन को अब भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की स्वीकृति भी प्राप्त है। महिलाओं के लिए काम करने वाली एनजीओ सेवा ने करीब 10 साल पहले रेडियो के जरिए सामाजिक बदलाव का शंखनाद किया। आज इस रेडियो स्टेशन की चर्चा गांव के घर घर में है। 4 वर्ष थी मेरे आड़िया में जोड़ाना ही पसी मैं खुद मसाला गुटका खाती थी तो मैं बंद करा पसी हमारा चला 40 बहनों नु मंडल से हमारा महिला मंडल इमने बताया बंद कराया। किसानों को खेती में फायदे का गुरु मंत्र हो या महिलाओं की समस्याएं या फिर बच्चों के लिए खास कार्यक्रम, इस रेडियो स्टेशन पर हर काम महिलाएं करती हैं।
यहाँ पर आके हम गाना गाते हैं, जोक सुनाते हैं, भजन गाते हैं, कविता गाते हैं, वार्ता सुनाते हैं और उसके साथ साथ मैसेज भी देते हैं कि पानी पानी बचाना चाहिए, खुले नल हो तो उसे बंद करना चाहिए, पानी हमारा जीवन है, सभी लड़कियों को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि कोई सेंसिटिव इश्यू है कि जो स्त्री भ्रूण हत्या है या फिर व्यसन मुक्ति है, तो जैसे कोई किसी का भाषण हम नहीं देते उसमें, पर हम ऐसे सेंसिटिव प्रोग्राम के लिए हम ऐसा ड्रामा अंदर रख के अच्छे से इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाते हैं। आप लोग कार्यक्रम का नाम रोडिनो रेडियो गांव के लोगों की आवाज है। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसके एक कार्यक्रम को राष्ट्रीय सामुदायिक पुरस्कार भी मिल चुका है। गोपी घांघर, गांव मणिपुर, गुजरात, आज तक। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण भारत में रहने वाले नायकों और नायिकाओं की, जो बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। हरियाणा के करनाल में एक गाँव है गोरगढ़। यहाँ पर हर शुक्रवार और शनिवार को बच्चे जब स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो उनके माँ बाप उनको तैयार करवाते हैं, उनके पिता, उनके दादा। आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी अजूबी बात है। अजूबी बात यह है कि उसके बाद उनके पिता और उनके दादा खुद भी बच्चों के साथ चल देते हैं उसी पाठशाला में, उसी स्कूल में छात्रों की तरह बैठने। जी हाँ, ये फार्मर स्कूल है जहाँ पर किसानों के लिए पाठशाला लगाई जाती है और वो नई नई चीज़ें सीखते हैं जो अन्यथा उनको नहीं सीखने को मिलेंगी। चलिए है इस अद्भुत क्लासरूम में चलते हैं। जो अंडा गोल है उसका साइज क्या है? यदि अंडे दाने का साइज जो यहाँ से अंडा बन रहा है वो मटर के दाना वो ऐसे कम है। उम्र कब के गुजर के सफेद हो गई लेकिन सीखने की ललक कम नहीं हुई। हुनर के पाठ का शौक ऐसा चढ़ा कि पीढ़ियों के अंतर भी इसका जुनून कम नहीं कर पाए। ये पाठशाला है हरियाणा में करनाल के गोरगढ़ गांव की, जहां पशुपालन से लेकर खेती बाड़ी की बारीकियां सिखाई जाती हैं और जरूरी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां दादा भी पढ़ते हैं, पोते भी पढ़ते हैं, पापा भी पढ़ते हैं और चाचा भी पढ़ते हैं। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि जो हमारा इनिशियल था 15 साल से लेके हम 70 साल तक के किसानों को पढ़ाएंगे, तो एक ऐसा ग्रुप आया दादा श्री राम सिंह जी जिनकी उम्र 70 साल थी और उन्हीं के परिवार सदस्य पोता उनका जिसकी उम्र की 25 साल थी। तो हम ये कह सकते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, दादा और पोता दोनों एक साथ बैठ के सीखते हैं। कृषि के इस स्कूल की खासियत यह है कि साल भर की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के अलावा दूसरे कृषि संबंधित संस्थानों में भ्रमण भी कराया जाता है, जिससे किसानों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी खूब हो रही है और वो नॉलेज खेती के परिणामों में नजर आने लगी है। कौन सा बीज यहाँ ठीक चलेगा उसके भी डॉक्टर आते हैं, तो ज्ञान लेने में क्या समस्या है? NDRI पिछले एक साल से ये स्कूल का संचालन कर रहे हैं, इसमें बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे डॉक्टर आते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमने कृषि कैसे करनी है और पशुपालन करना है कैसे करना है। सीखने का जज्बा पोतों ने दिखाया तो दादाओं ने भी अपना पूरा दमखम दिखाया, लिहाजा हंसी मजाक और पारिवारिक माहौल के बीच किसान वो जानकारियां आसानी से हासिल कर रहे हैं जो उनकी कृषि को उन्नत और खुद उन्हें समृद्ध बनाती है। चंद्र प्रकाश, करनाल, आज तक। गांव के नायक और नायिकाएं, कितनी प्रेरणादायक कहानियां, कितनी प्रेरणादायक लोग। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इन लोगों से मिलकर उसी तरह कुछ सीख मिली होगी, कुछ जोश आया होगा कुछ नया करने का, चाहे आप शहर में रहते हैं या गांव में, लोगों की जिंदगियां बदलने का जज्बा आया होगा। हमारी यही कोशिश है कि गांव से आपका रिश्ता बना रहे, बातों में, यादों में, फिक्र में, जिक्र में, गांव से आपका कनेक्शन गहरा होता रहे। भारत के गांवों का ये अद्भुत सफर चालू रहेगा हर रोज, और टीवी के अलावा गांव कनेक्शन अखबार में आप इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। कोशिश करिएगा कि अपने गांव वापस जाइए, अपने गांव से रिश्ता दोबारा बनाइए, क्योंकि हम सबको साथ में मिलके बनाए रखना है आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन, आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन।